नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आज से यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है। नए वित्त वर्ष के आगाज के साथ ही कई सारे नियम बदल गए हैं। नियमों में हुए बदलाव का असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जी हाँ, आइए जानते हैं आज से क्या क्या बदलने वाला है। आपको बता दें कि आज से नई इनकम टैक्स रीजन के नए स्लैब लागू हो गए हैं। देश में गोल्ड की बिक्री को लेकर भी आज से नए नियम प्रभावी हो रहे हैं। इसके अलावा और भी कई बदलाव आज होने वाले हैं। आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो आज से रसोई गैस की कीमतों में बदलाव हुआ है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 91.50 की कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो यानी कि 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 2028 हो गई है। वहीं घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कई बदलाव नहीं किए गए हैं। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। सरकार ने आम बजट 2023 में नए स्लैब का ऐलान किया था, जिसके बस आज से ही देश में नए इनकम टैक्स रिलीज के नए स्लैब लागू हो गए हैं। बजट में स्लैब की संख्या को 6 से हटाकर 5 कर दिया गया था। सरकार ने कहा है कि नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगी। अगर किसी को पुरानी रिजीम चुननी है तो इसके लिए उसे फॉर्म भरना होगा। आज से इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए हो गई है। हालांकि ये लाभ नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को मिलेगा। नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत टैक्स छूट को 12,500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। हालांकि नई रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की कमाई पर जीरो टैक्स का लाभ लेने वालों को 80C के तहत मिलने वाली छूट का फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आज एक तारीख से देश के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो सकता है। जी हाँ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर आज से करीब 10% टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो गई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी टोल की दर बढ़ने का ऐलान हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे पर अब सफर करने के लिए 18% अधिक टोल चुनना होगा। प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में टोल टैक्स में बदलाव किया जाता रहा है। वहीं गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड की ज्वेलरी पर होल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। आज से सिर्फ 6 अंक वाले अल्फा न्यूमेरिक होल मार्किंग की मान्य होंगे और 4 अंकों के होल मार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली ज्वेलरी की बिक्री अब नहीं हो सकेगी। वहीं आपको बता दें कि स्मॉल सेविंग में निवेश करने वालों के चेहरे खिलने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि स्मॉल सेविंग निवेश वालों को डिपॉजिट पर अधिक ब्याज मिलेगा। सरकार ने अप्रैल जून 2023 की तरफ देखते हुए तिमाही के लिए ब्याज दरों में इजाफा किया हुआ है। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 70 बेसिक पॉइंट BPS का इजाफा किया गया है। वहीं वित्त मंत्रालय ने जारी एक नोटिफिकेशन में कहा है कि सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या स्मृति योजना जैसी स्कीमों की ब्याज दरों में इजाफा किया गया है। साथ ही नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल यानी आज से डेथ म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत टैक्स मिलेगा। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को खत्म कर दिया है। जी हाँ, अब 36 महीने से पहले डेट म्यूचुअल फंड में रिडीम के बाद अगर कोई यूनिट की सेल करता है तो होने वाले मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, लेकिन 36 महीने से अधिक की होल्डिंग के बाद यूनिट्स बचाने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए क्या कुछ बदलने वाला है वो भी आपको बताते हैं। आज से होने वाला बदलाव
आपको बता दें कि आज से सरकार महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग स्कीम की शुरुआत कर रही है, जो एक बहुत खूबसूरत शुरुआत है। महिला सम्मान सेविंग स्कीम को महिला या लड़कियों के नाम पर किया जा सकता है। ये वन टाइम स्कीम है और 2023-25 के बीच 2 साल की अवधि के लिए ही निवेश के लिए उपलब्ध होगी। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए वन टाइम सेविंग स्कीम महिलाएं सम्मान बजट पत्र 2 साल के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें 2 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में आंशिक निकासी के विकल्प मौजूद रहेंगे और वार्षिक ब्याज दर 7% होगा। आज से होने वाले इन बदलावों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।